ओके जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड। आज बहुत ही अच्छा, फिर से सौभाग्य का टाइम आ गया। बहुत आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मैं बता दूं, मैं रमेश तिवारी, एथलेटिक्स कोच रीवा, और आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये सिलसिला चल रहा था सम्मान का, कि एमपी पुलिस का फिजिकल करने वाले बच्चों का सम्मान हो रहा था। जो बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से जो ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी तकरीबन अभी 44 बच्चों ने पास किया है एमपी पुलिस फिजिकल अभी तक में। और लड़कियों को बता दूं, 100% लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं। उनके लिए जो बच्चे पास करके आए हैं, उनको बहुत बहुत आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से उनका स्वागत है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आप उनका मेरिट में भी नंबर आएगा, क्योंकि इनके नंबर से बहुत अच्छे हैं। तो ये हैं हमारे सोमेश जी हैं, इनका ही बाती निराली है, ठीक है। इन्होंने दिल्ली पुलिस का भी फिजिकल क्वालिफाई किया, एक नंबर से, आधे नंबर से रह गए, नहीं तो आज दिल्ली पुलिस इनके साथ ही हो गए थे, ठीक है। अब ये हैं लवकुश हैं, भगवान श्री राम के पुत्र। ये वीरेंद्र कुशवाहा हैं, इनकी तो बात ही निराली है। इन्होंने बहुत संघर्ष करके एमपी पुलिस का फिजिकल पास किया है। आज का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, जो चार बच्चे गए थे, चार के चारों बच्चे पास हो गए। इसमें बहुत ही आप लोगों का क्या है, रोल है, बहुत ही तगड़ा रोल है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और पास हुए। इस पास होने के कई वजह भी हैं कि मैं तो ट्रेनिंग करा रहा हूँ एचआर कोच, पर यहाँ का जिला प्रशासन माननीय आरआई साहब ने ये ग्राउंड, आप जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो माननीय आरआई साहब ने इस ग्राउंड को अलॉट किया था। तो ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में इस ग्राउंड से अभी तक 44 बच्चे पास हुए हैं एमपी पुलिस का फिजिकल, तो एक इतिहास हो गया है। और इसके पीछे माननीय आरआई साहब, उसमें केशव सिंह चौहान साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है, और यहाँ के एसपी साहब और यहाँ के जो प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। सर, एक लड़का और पास हो गया कि यहाँ पे, और एक लड़का ये और अभी आया है पास। तो ये बंदा पास आया है, और ये अभी 45 ये 45 बच्चे हो गए हैं। 45 मतलब बच्चों ने किया है। तो इसके लिए हम अब चलते हैं, जैसा कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का ये रीति रिवाज है कि जो बच्चे पास होके आते हैं, जो बच्चियां पास होके आती हैं, उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सोमेश को माल्यार्पण द्वारा स्वागत, और दूसरा है कि लवकुश का माल्यार्पण, और तीसरा मतलब कि वीरेंद्र का ये हीरा बच्चा आया है। तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि आज चार बच्चों को स्वागत, और तो चार बच्चे अभी आए नहीं हैं, आज 8-10 बच्चों का स्वागत होना था, और 2-3 बच्चियों का स्वागत होना था। तो बहुत अच्छा है सोमेश सिंह से कि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त किया, कैसे आसानी से एग्जाम क्वालिफाई किया आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से, कैसे फिजिकली इन्होंने क्वालिफाई किया। जानते हैं कि इनका क्या सच्चाई है, कि बड़ी अपना अनुभव बताएं। मेरा नाम सोमेश सिंह है, मैं सर से बहुत पहले से जुड़ा हूं, कब लगभग 1 साल हो चुका है। तो फिजिकल की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्या है कि सर ने पहले इतनी ट्रेनिंग और वर्कआउट करा दिया है कि एकदम फिट हैं हम, कभी भी दौड़ा दे। नहीं, पहले तो हमारा बहुत वेट था, हम 4 राउंड भी नहीं दौड़ पाते थे जब दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग करने आए थे, मतलब रनिंग की तैयारी करने। पर सर ने इतना वर्कआउट कराया कि वहाँ भी क्लियर हो गया। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस का आपने फिजिकल जो अभी पास करके आए, वहाँ बारिश हो रही है, पैर चिपचिपा, ये बताइए कि जो 2 kg माटी हमारे पैर में चिपक गई थी, उसका अनुभव बताइए कि जो बच्चे एक्साइटेड हो। हाँ, यहाँ से तो बहुत कूल होके गए थे, एकदम नॉर्मल था, कोई स्ट्रेस नहीं था, पर रात को जब बारिश हुई तो बहुत ज्यादा डर लग गई थी, क्या कि नंगे पांव प्रैक्टिस नहीं थी और शूज पहन के दौड़ना ही था, तो टाइमिंग जो थी तो बढ़ गई थी 4-5 सेकेंड। बाकी ये तो था कि हो जाएगा। तो टाइम कितना आपका आया 800 मीटर में? सर 2:40 आया। 2:40, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इतनी परिस्थितियों में जूता में इतनी मिट्टी हो गई थी, पैर चिपचिपा हो रहा था, लॉन्ग जंप कैसा गया आपका? लॉन्ग जंप सर 15 फीट, वेरी गुड। और शॉर्ट फुट?
शॉर्ट फुट गया है 21 फीट। 21 फीट बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ये लवकुश का मैं जानना चाह रहा हूँ कि लवकुश का अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और प्लीज लवकुश, मेरा नाम लवकुश शुक्ला है। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल। और अपने सबसे पहले सर की ये असली तुम्हें माला पहनने की अक्ता है। आ जा, चलो सर के एकेडमी में। पहले तो मैं एकेडमी विश्वास ही नहीं करता था अपने से, क्योंकि देखता था कि कई सारे बच्चे जैसे देसी दौड़ करते हैं, तो मेरा विश्वास नहीं था कि एकेडमी में भी हो गया दौड़ा के ये तो पास करवाते हैं। लेकिन 10-15 दिन पहले मैं अपने से ही दौड़ा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट समझ में नहीं आ रही थी, ना कोई कंपटीशन मिल रहा था, अकेले दौड़ रहा था ऐसे ही। टाइम भी लगा था तो बहुत टाइम, 3-10, 3-15 के ऊपर चली जाती थी टाइम। वेट भी बहुत ज़्यादा था, 80 kg के लगभग वेट था। तो धीरे धीरे ऐसे ही सर के ग्राउंड घूमने आया मैं नॉर्मली, तो सर की यहाँ ट्रेनिंग देखा, वर्कआउट देखा, तो बहुत प्रभावित। तो इसके बाद फिर सर से मैंने बात की कि सर एकेडमी ज्वाइन करना है मुझे, कंपटीशन नहीं है, मैं अकेले दौड़ता हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फिर सर की एकेडमी आया, वर्कआउट ट्रेनिंग सर की इतनी तगड़ी ट्रेनिंग थी कि चाहे बारिश हो, आंधी हो, धूप हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इजीली फिजिकल हम लोगों ने क्वालिफाई करके आए। और सबसे बड़ी चीज़ कि सर के वर्कआउट और हार्ड ट्रेनिंग के बाद जो कूल डाउन करवाते हैं, तो बिल्कुल जैसे रिलैक्स ग्राउंड में एंट्री करते हैं वैसे आप रिलैक्स ग्राउंड के बाहर भी जाएंगे। तो इसके बाद फिर वहाँ ग्राउंड तो गीला था, इन्वायरमेंट बिल्कुल विपरीत था हम लोगों के फिजिकल के, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हौसला बढ़ाया और अपनी मेहनत के ऊपर और सर के ऊपर भरोसा, जो सर ट्रेनिंग और टेक्निक बताए थे कि पानी बरसेगा तो आपको ये टेक्निक अपनाने हैं, वो चीज़ हम लोगों ने फॉलो किए और डिसीजन लिया कि जूता उतार के दौड़ेंगे। और हमारी 2:30 में बारिश के दौरान मतलब ग्राउंड स्लिप हो रहा था, तब इन्होंने 2:30 की भागा। और इसके पहले मैं बता दूं कि इनका ग्राउंड का टाइम था 2:10। जब 2:10 टाइम ग्राउंड में आता था 800 मीटर तब जाके वहां 2:30 भाग पाए हैं। इतना बड़ा पानी का प्रभाव पड़ता है, पानी का प्रभाव इतना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज ये सर कि जैसे वहां पानी जैसे बरस दिया, तो पानी बरसने के बाद सबसे पहले तो लड़के डर जाते हैं, हौसला भी टूट जाता है उनका कि कैसे दौड़ेंगे, जूते में दौड़ेंगे, बहुत प्रेशर हो जाता है। तो हम लोगों ने आपकी टेक्निक और तरीके को फॉलो किया कि आपने बताया था कि अगर रात में या दिन में पानी बरस देगा तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अभी मैं वीडियो में बता नहीं सकता। तो सीक्रेट आप अकेडमी आइए, आपको सारी जानकारी। तो वही चीज़ फॉलो की और फिर लगभग रनिंग करने के बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर कि सब कुछ इजीली हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये सर कि जैसे पानी बरस देता है तो जहाँ कॉर्नर से अपन स्पीड इंक्रीज करते हैं वहाँ पे फिसलन ज़्यादा थी, तो वहाँ पे आपको कैसे दौड़ना है, कैसे मेंटेन करना है, अपने सारे स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, वो चीज़ किया तो बहुत इजीली तरीके से 2:30 में रनिंग कम्प्लीट हो गई। और वहाँ 20 बच्चों में लगभग 3-4 फाइल दौड़ाए थे, तो टॉप हमारे आगे की फाइल के भी जो बच्चे थे तो 7-8 बंदे कट गए। और फिर इसके बाद लॉन्ग जंप और गोला तो इजीली हो गया। अभी चाहते हैं कि ये सोमेश जी को मैं लड्डू खिला करके इनका मुंह मीठा करूं, और इन्होंने बहुत ही तगड़ा करके आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक बार हमको सबको खिला देने दो। ये लवकुश जी हैं, लवकुश जी को लड्डू खिला करके मुंह मीठा करना चाहता हूँ। ये बीरेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनको लड्डू खिला के मुंह मीठा करना चाहता हूँ। और ये क्या है, ये इनको ओके चलो। अब एक फोटो खींचे। देखिए अभी जाने हैं तो अर्पित शुक्ला जी भी आ गए हैं। आज क्या है, थोड़ा सा प्रोग्राम था, नहीं था, पर ये आ गए हैं। तो अर्पित शुक्ला जी भी एमपी पुलिस का फिजिकल पास किए हैं। आज थोड़ा मतलब माला का अभाव है, तो माला की वजह से ये माला उठा करके अर्पित शुक्ला। मेरा नाम अर्पित शुक्ला है, और जब फिजिकल शुरू हुआ था तो उस टाइम
मेरी 3 मिनट के लगभग दौड़ आती थी और मतलब डेट बढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब डेट जब तक नहीं बढ़ी तो मुझे लगता था कि मैं ना कर पाऊंगा, पर डेट बढ़ गई फिर मैं सर के पास आया तो सर बोले कि मतलब यहाँ आओ प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद कर सकता हूँ। फिर सर रिपटेशन जो करवाते थे ये 800 और 400 वाला, तो उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे सर के मोटिवेट करने के कारण मेरा रनिंग आने लगी, जंप भी थोड़ा इम्प्रूव, मतलब पहले 12 फुट 12.5 ऐसे जाता था, पर प्रैक्टिस करके वो जो पैर उठा के सर करवाते थे इसके कारण जंप भी बढ़िया आने लगी। और सर के आशीर्वाद से सब भाई लोग जो हैं इन सब के प्रयास से अब हमारा एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे पास उस टाइम पे उतना पैसा नहीं था, तो सर बोले थे कि अभी जितना है जमा करो, फिर मतलब जो अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मेरे पास ऐसी व्यवस्था बनी तो मैं बहुत देखो ये है ईमानदारी, इसके ईमानदारी का बहुत बड़ा हम सलाम करते हैं कि ये बंदा, मैं तो पैसे के लिए नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को फ्री में करा रहा हूँ। अब जो दे सकते हैं तो मेरी फीस मैंने इस बार रखा था फीस कि 3,000 रुपए मैंने फीस रखा था कि 3,000 रुपए में एक जूता दिया था, एक टी शर्ट दिया था, करीब 1200-1400 का सामान दे दिया था, 1200-1400 रुपए मैं भी लिया था क्योंकि 3-4 महीना ट्रेनिंग कराने के लिए। तो मैंने कोशिश ये किया था कि कम से कम पैसे में ज्यादा हो, पर इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा है के पास पैसा नहीं था तो मैं उसको प्रेस नहीं किया था कि भाई तुम मतलब पैसा दो तभी ट्रेनिंग करो। लोग तो सर ये भी बोले थे अगर नहीं हो तो मत दो पर ट्रेनिंग जरूर करो, जो पास कर जो कि यहाँ के तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारी भविष्य खराब ना हो। और यहाँ पे जो प्रशासन भी काफी अच्छा सपोर्ट किया है उसकी वजह से आज बताइए ये 46वां बंदा हो गया, ये बंदा एमपी पुलिस का फिजिकल पास करने वाला। इसीलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि सर फिजिकल तो ठीक है, फिजिकल के लिए तो फिजिकल गुरु तो मानते ही हैं हम लोग, पर सिद्धांतिक गुरु भी अपने जीवन का बना लिया, क्योंकि सर के सिद्धांत इतने महान और इतनी सोच महान है सर की कि सब लोग उनको फॉलो करते हैं और मतलब सिद्धांतिक गुरु मान लिया हम लोग सर। आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा और इसीलिए इसी खुशी में हम सारे बच्चे जितने क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर डिसक्वालीफाई हो रहे हैं आगे उनको मौका मिलेगा और खुश होके सर की अकेडमी को 1,00,000 रुपए का डोनेशन हम लोग देना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी वीरेंद्र कुशवाहा जी से मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने मतलब इन्होंने कैसे आर्मी एंड सिविल सर्विस अकेडमी में आके ट्रेनिंग किया, क्योंकि इनको पास करना तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इनका वजन इतना ज्यादा था, इनका वजन 1 क्विंटल था, 1 क्विंटल वजन करके अभी इन्होंने कितना किया है, कितना केजी हुआ है, 65 किलो। अब 1 क्विंटल 35 किलो वजन कम करना आसान बात है, अब जब 35 किलो इनके जज्बे को सलाम है कि 35 किलो वजन कम करके एमपी पुलिस का फिजिकल पास हुए। वीरेंद्र कुशवाहा जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा है सर। मैं पहले जब एकेडमी में आया था तो मेरी टाइमिंग 3:10, 3:15 तक आती थी, और फिर जब सर ने ट्रेनिंग सर की ट्रेनिंग की वजह से फिर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था तो मेरी टाइमिंग 3:40, 2:40 आई थी, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और लॉन्ग जंप भी मेरी ज़्यादा मतलब पहले बहुत ही वीक थी, 12 फीट 11.5 फीट में गिर जाता था, फिर सर ने बढ़िया स्टेप कैसे नापना है और कैसे जंप लेना है और सारी टेक्निक बताई, उसकी वजह से मेरा लॉन्ग जंप फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर मैं करीब 13.5 फीट 14 फीट यहाँ भी जंप करने लगा था तो थोड़ा सा और मोटिवेट हुआ और फिर वहाँ पर मैंने 14 फीट जंप भी किया। बहुत बढ़िया। और गोला कैसे आपने किया? गोला भी मेरा सर यहाँ पे वही 15 फीट 16 फीट में गिर जाता था, सर की टेक्निक बताई उन्होंने कैसे करना है गोला, तो फिर मेरा भी गोला वहाँ पे करीब 21 फीट पार हो गया। पहली बार मेरी लॉन्ग जंप और पहली बार मेरी गोला पार हो गया सर की वजह से, तो सर को मैं बहुत धन्यवाद देना। कोई तुम्हारी मेहनत है, वेरी गुड। और मैं भी सभी अपने मित्रों का जो मुझे मोटिवेट किए और मेरे साथ मेरी मतलब ट्रेनिंग में मेरे को हौसला बढ़ाए कि हाँ तुम कर सकते हो, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक्सरसाइज की सर की, फिर वो धीरे धीरे रिकवर हो गया। फिर मैं एक दिन मतलब ट्रायल था यहाँ, तो मैं आया ग्राउंड के बाहर और मैं डर के मारा भाग गया, मुझे इतना डर लगा कि मैं ट्रायल नहीं दूंगा, मेरे इतना डर था कि मैं नहीं दूंगा ट्रायल। फिर मैं लौट गया, फिर मैं फिर वापस आया, फिर वो बाउंड्री की साइड में खड़ा हुआ, तब रनिंग हो गई थी, मैं अब जाता हूँ, फिर आया, इतना मैं डर था, मतलब मेरा होना ही नहीं था। फिर एक दिन सर ने यहाँ पे बता रहे थे यहीं पे एक्सरसाइज शाम को,
बोले तुम इतनी मेहनत किए हो, ये मान के जाओ कि तुम सबसे तगड़े हो। बस ये चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं यहाँ दौड़ा वहाँ दौड़ा हर जगह दौड़ा हूँ, अब मेरा दर्द भी कम हो गया तो मैं तगड़ा हूँ तो हूँ। फिर मैं ग्राउंड गया, उस दिन बारिश भी हो गई, भेजे लोग इसे बताया, ये सब लोग इनको भी मैं देखा। फिर मैं कहा मैं सबसे लास्ट में दौड़ूंगा, मैं इतना डरा वहाँ भी डरा हुआ था, लेकिन जब मैं गया तो मैं पहले ही फाइल मेरा नाम आ गया। अब क्या करूँ। फिर मैंने जैसे ग्राउंड में गया, दो तीन कदम देखा पैर में बिल्कुल मिट्टी लग गई थी, मैं कहा अब जूता उतारना पड़ेगा। फिर मैंने जूता भी उतार दिया। फिर मैंने एक बार आँख मूंदा, जहाँ जहाँ दौड़ा था हर जगह, मैंने कहा मैं इतना दौड़ के आया हूँ, सर ने बोला कि मैं तगड़ा हूँ तो हूँ। फिर मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया, एक राउंड मारा था स्पीड में मारा, मतलब सबसे अच्छी रनिंग पहली राउंड थी मेरे। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं एक ही राउंड मारूंगा, यही मान के चला था। जब एक राउंड हुआ, जैसे निकला आगे, तो मैंने चिरौला मंदिर भगवान के बजरंग बली का खूबते से नाम चिल्लाया, मैंने फिर लंबा हाथ, अब स्पीड तो बनी नहीं रही थी, बस लंबे पैर खींचते चल गया। जब 200 मीटर रह गया तब मुझसे लगे अब ना हो पाएगा बिल्कुल, फिर सांस भर आई, फिर मैंने खूब तेज से हरिजब चिल्लाया, पूरे फिर ग्राउंड में पहुंच गया। अब फिर उधर पुलिस वाले लोग होते हैं तो वो भी मतलब मोटिवेट करते कि हाँ हाँ आ जाओ पहुँच रहे। ऐसे करके मैं पहुँच गया। अब मेरी लॉन्ग जंप नहीं आती थी क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, अब दर्द बना ही था कि लॉन्ग जंप नहीं आ रही थी। फिर रनिंग आई 2:39 में आई। फिर मैंने लॉन्ग जंप सिर्फ सर का टेक्निक अपनाया, सर बोले थे कि पैर नाप जाना जितना तुमको हिम्मत करे दौड़ने के लेना था। मैंने 15 कदम मेजर किया, 15 में से भी 6 में बिल्कुल धीरे धीरे गया, जैसे ही रह गया 8-9 स्टेप तो मैंने बिल्कुल फुल स्पीड में जाके जंप किया, पैर पड़ा और फिर मुंह के बल में गिर गया आगे जाके। अब मेरे आगे 3 बचे थे, 3 फाउल हो गए थे, मैं 4th नंबर में गया था, फिर हो गया। धन्यवाद देने आया। चलो वेरी गुड।